हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में जो है स्वागत करता हूँ। तो आज है 5 जनवरी। 5 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर करेंगे। आई थिंक आपका जो तैयारी बढ़िया चल रही होगी और चलना भी चाहिए बढ़िया। इस साल जो है 2024 वही साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने करियर पर फोकस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम लगाइएगा, साथ ही साथ रिवाइज भी करते आपको चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ से करंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से 13, 15 तक के क्वेश्चन, 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ये आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल और आपके स्टेट मिला के लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम का सिलेबस आप देखे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप यहां पे एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपके जैसे पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के प्रीवियस ईयर में कैसे कहां से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो खुद से एनालिसिस कीजिएगा। मेरे बोलने पे मत जाइए, खुद से एनालिसिस करेंगे कहां से कितना क्वेश्चन पूछा है, आपको तैयारी करने में एक तरह के यहाँ पर बेटर बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो DRDO ने कब अपना 66वां जो स्थापना दिवस मनाया है, 2 जनवरी को, 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो 1 जनवरी को जो DRDO जो है इन्होंने यहाँ पे 66वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया। DRDO का क्या चीज़ है जी? DRDO तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च, जो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार जो है आपके इंटरव्यू वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, जैसे इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ऐसे डायरेक्ट आपके इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, पूछे भी गए हैं। इस सभी का जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो है जो DRDO जो हमारा आपका DRDO जो है रक्षा अनुसंधान और आपका विकास संगठन है, जो हमारे जो सेनाओं के लिए जो है मतलब ये जो है हथियार वगैरह बनाती है यहाँ पे, तो सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना कब किया गया था तो याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका जो हेडक्वार्टर DRDO जो भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, समीर वी कामत, याद रखिए समीर वी कामत अभी इसके अध्यक्ष हैं DRDO के। तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो 66वां स्थापना दिवस जो है 1 जनवरी को DRDO ने यहाँ पे बनाया था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, हाल ही में किस राज्य के जो हट्टी समुदाय को अनुसूचित दर्जा मिला है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, यहाँ के सुक्खू जी, यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो हट्टी समुदाय है, जो जनजाति है लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ की जनजाति जो निवास करते हैं हट्टी समुदाय को, तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको अनुसूचित जाति का जो दर्जा यहाँ पे दिलाया गया है, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसे M.A. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दीपक कंबोज को, B.R. कंबोज को, संजय कंबोज को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B.R. जो कंबोज को, हाल ही में इनको M.A. स्वामीनाथन पुरस्कार इनको सम्मानित किया है। कौन से काम के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार क्या होता है थोड़े इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में अगर मैं बात करूँ V.R. कंबोज के बारे में, तो ये आपके हरियाणा के चौधरी चरण सिंह जी जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कृषि विभाग के जो प्रोफेसर हैं V.R. कंबोज, और इनको जो है स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है। और ऐसे कृषि के क्षेत्र में लोगों में समाज के लिए कृषि के क्षेत्र में इनको काम और योगदान की वजह से इनको स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। इस साल जो है स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। इस साल इनका यहाँ पे डेथ भी हुआ है, तो ये किससे संबंधित है करके पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन जी तो कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि के मतलब क्षेत्र में बहुत ही क्रांति लाई है इन्होंने यहाँ पे, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो V.R. कंबोज जो है ये आपका प्रोफेसर है, कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है इनको दिया जाता है स्वामीनाथन पुरस्कार, कृषि में क्षेत्र के क्षेत्र में समाज में काम करने के लिए जो है इस क्षेत्र में जो अवार्ड को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है जी, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून। पुष्कर सिंह जो धामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, BJP पार्टी के हैं, और हाल ही में ये जो पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ पे जो बाहरी लोगों को द्वारा कृषि भूमि खरीदने पे ये प्रतिबंध लगा दी, यहाँ के जो स्थानीय लोगों को एक तरह के यहाँ पर उनके अर्थव्यवस्था को उठाना है, ताकि जो गरीब से गरीब जो लोग हैं इनको थ्रू समाज में
उनके आय को तर्क बढ़ाने के लिए उन्हें यहाँ पे महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीदने पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब ये लोकल लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? चाइना के द्वारा, रूस, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, व्लादिमीर पुतिन जी, याद रखिएगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस की राजधानी क्या है जी? तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है। और 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किन्होंने संभाली है? तो व्लादिमीर पुतिन, ये कहाँ यहाँ के प्रधानमंत्री, इन्होंने यहाँ पे अध्यक्षता संभाली। तो ब्रिक्स जो है खास करके, मतलब ब्रिक्स क्या होता है, तो ये अर्थव्यवस्था वाला जो है देश है, जिसमें भारत, दक्षिण अफ्रीका, चाइना, साउथ अफ्रीका और हमारा भारत, मतलब ये जो है पांच देशों का जो है ये संगठन है। और जो खास करके अर्थव्यवस्था जो जैसे कंट्री पांच देशों का ये जो मेंबरशिप है, इसमें जैसे किसी भी देश में कोई दिक्कत होती है तो एक तरह यहाँ पे उसको अर्थव्यवस्था को उठाने काम करती है। जैसे लॉकडाउन कोरोना समय जो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो एक तरह की हेल्प करती है, अर्थव्यवस्था का संगठन है इसमें। और नए नए देश इसमें जुड़े हैं जैसे इथोपिया, तो इसमें साथ ही साथ मिस्र, ईरान, इथोपिया और आपका UAE और संयुक्त अरब अमीरात, जो ही ये आपका पहले पांच देश का था, अब ये सीधा आपका 10 देशों का संगठन हो गया। पहले अर्जेंटीना को भी इनविटेशन दिया गया था, आइए जुड़ जाइए, आपकी जो अर्थव्यवस्था को यहाँ पे सुधार जाएगा, ऐसा करके इनके द्वारा इन्विटेशन दिया गया था। लेकिन इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रपति चेंज होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे इनकार दिया गया है, इनकार कर दिया। तो आपका 10 देशों का संगठन है, तो इसको आपको याद रखना है। 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता इन्होंने रूस ने संभाली है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य जो अभ्यास है आयोजित हुआ है? UAE, सऊदी अरब, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त जो अरब अमीरात, UAE ने हाल ही में UAE की सेना और हमारी भारतीय सेना राजस्थान में जो है भारत और जो है UAE की सेनाओं के बीच 2024 का सैन्य अभ्यास है। जो सैन्य अभ्यास जो है खास करके जो एक तरह का इनको प्रशिक्षण दिया जाता है दोनों देश को, भारत और हमारी जो UAE की सेना को, यहाँ पर इनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि मतलब एक तरह सैन्य बल को बढ़ाया जाता है ताकि जो है दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे इस साल बीच बीच में यहाँ पे प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। जैसे बांग्लादेश में संप्रति और अलग अलग देश में ऐसे कराया जाता है, सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच ऐसा यहाँ पे चलता रहता है। तो इसको याद रखिए, एक तरह के यहाँ पे उनको सैन्य शक्ति प्रदान किया जाता है, प्रशिक्षण दिया ताकि उनकी ताकत को बढ़ा सके, नए नए यहाँ पे तकनीकी सिखाई जाती है। तो UAE के बीच यहाँ का किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? रूस, चाइना, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। तो हाल ही में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। कहने का मतलब जो परमाणु हथियार की जो सूची है यहाँ पे खतरा को कम करने के लिए जो एक सूची यहाँ पे 1991 में जो है सूची एक तरह स्टार्ट, मतलब 1991 से चले आ रही है कि एक सूची प्रदान किया जाता है ताकि जो है मतलब हमला मत हो कोई, मतलब आपसी संबंध में हो सके, मतलब लड़ाई वगैरह मत हो, इस तरह से जो है सूची प्रदान की आपके पास कौन कौन से हथियार है, कौन से परमाणु हथियार है, इस तरह के यहाँ पे जो है आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में कहाँ उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया गया है? संवाद @ राजनिवास लॉन्च किया है कहाँ के उपराज्यपाल ने? लद्दाख, नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, कौन है जी? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार जो सक्सेना जी वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। इन्होंने यहाँ पे लोगों के यहाँ पे समाज में मदद करने के लिए जो है संवाद @ राजनिवास किया है, मतलब ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं इसको जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है इन्होंने ये जो है लॉन्च किया है। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल सभी जानते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने ये आपका भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल है। याद रखिए पहले जहाँ पे आ गया तो समझ जाइएगा अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कहाँ पे किया गया है? ये आपके अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है और लगभग 150 से 200 सीट के जो है बीच जो है
इसमें भर्ती की जाएगा। ये जो है मतलब इसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, मतलब आपका रैंक के हिसाब से जो आपको इसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो यह पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इसको बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो खास करके लड़कियों के लिए पूरा ये स्कूल को डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पावर ग्रिड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है, श्रीकांत, RK त्यागी, उत्कल रंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के जो त्यागी, इनको हाल ही में जो पावर ग्रिड क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक सिटी कंपनी है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसको जो स्थापना है 1989 में स्थापना किया था, गुरुग्राम हरियाणा में जिसका हेडक्वार्टर है, और CMD के रूप में जो है आर के त्यागी जी को बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में नेशनल स्ट्रीट फूड जो फेस्टिवल 2023 का संपन्न कहाँ हुआ है, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या नई दिल्ली। तो नए साल के 31 तारीख को जो है नई दिल्ली में आपका नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जवाहरलाल जो स्टेडियम यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे जो है नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें आपको विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन खाने को इसमें मिलेगा। तो जो है ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो है फेस्टिवल रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे जो लोग इसमें आनंद भी लिए हैं। इस फेस्टिवल में हर प्रकार के खाना देखने को आपको मिलेगी, तो इसको याद रखिए फूड फेस्टिवल है, दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया गया है, केरल, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, यहाँ पे लोगों के जितनी भी गवर्नमेंट सरकार के जो स्कीमें हैं लोगों तक ऑनलाइन पहुँच पाए, जिसमें आपका आय जाति जन्म प्रमाण पत्र और साथ ही साथ सरकारी जो विभाग के जो कामकाज हैं, इसमें आप जैसे आपका विवाह संबंधित जो प्रमाण पत्र है और लोगों के जो बहुत सारे जो हेल्थ इशू कार्ड वगैरह रहता है, ये जो इस जो जो सरकार के जो पहल है के स्मार्ट, इनके द्वारा एक ऐप तैयार किया गया, इसमें जो है एक तरह का डिजिटलीकरण किया जा रहा है, मतलब लोगों को तो ऑफलाइन को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि लोगों को घर से यहाँ पर उनको सेवा प्रदान किया जा सके। इसीलिए जो पहल है केरल सरकार के द्वारा इसको चलाई जा रही है, तो एक तरह गवर्नमेंट की स्कीम को लोगों तक पहुँचाने के लिए ऐसा कर रही है। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आर्य मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है, कौशल गर्ग, अनाहत सी, रॉबिन मैक अल्पाइन या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहत सी मात्र 16-17 साल की एज में हमारे भारतीय मूल की स्क्वैश प्लेयर हैं। स्क्वैश खेल क्या हो तो इसको गूगल में जाके खुद से सर्च कीजिएगा यहाँ पे। तो स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सी। इन्होंने हाल ही में जो स्कॉटिश जूनियर जी ओपन जो अंडर 9 का जो खिताब है किसको हरा कर जीती है, जो रॉबिन जो मैक अल्पाइन है इसको हरा कर इन्होंने यहाँ पे अनाहत सी ने यहाँ पे जीती है। ये जो मैच कहाँ हुआ है, इस खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो एडनबर्ग, याद रखिए एडनबर्ग जो है यहाँ पे जो इसका आयोजन किया गया था। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 9 के खिताब अनाहत सी ने जीता है, स्क्वैश प्लेयर हैं हमारे भारतीय मूल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, गुजरात ने, उड़ीसा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र जो पटेल हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और हाल ही में जो गुजरात में अलग अलग जगह जो नए साल के दिन एक साथ 108 स्थानों पर, मतलब अलग अलग देख सकते हैं 108 जगह पे सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया है, इसमें जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, मतलब अलग अलग ऐसे अलग अलग जगह 108 जगह है जहाँ पे जो है सूर्य नमस्कार किया गया। 108 एक सांस्कृतिक महत्व है, अलग ही एक महत्व है। नरेंद्र मोदी जी भी इसके ट्वीट करके इन्होंने जानकारी भी दी है। तो ये जो है 108 स्थानों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है गुजरात ने हासिल किया गया, ये उपलब्धि हमारी। तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सभी को आपको जो है सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसके बहुत जो है फ़ायदे भी हैं, आपको हेल्थ जो
इशू है आपका ठीक होते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करते फिर क्वेश्चन में आते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है जी? तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसके तहत इस परियोजना में खासकर इसके तहत यहाँ पे जो है रेल कनेक्टिविटी, तेल संसाधन और ये आपका जो है सड़क व्यवस्था, शिपिंग वगैरह जो व्यवस्था है यहाँ पे जो है इस तरह, ये जो है लगभग 20,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तमिलनाडु में यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे जिसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, बाकी आप समझदार हो। तो चलिए मिलते हैं आज के सेशन, यही तक रखते हैं। थैंक यू।